आपको क्या लगता है कि मोरवी की जो घटना है इसका कोई असर पड़ने जा रहा है चुनाव पर, चुनावी राजनीति पर, या हम लोग यूं ही, मैं अटकल लगा रहा हूं कि ये हो रहा है, ये दरअसल घटना है, कुछ समय के बाद लोग भूल जाएंगे? जी सर, देखिए सबसे बड़ी बात हमारी भारतीय राजनीति की ये विडंबना है, भारतीय लोगों की है कि हमारी याददाश्त बहुत कमजोर होती है। ये बात भली भांति हम जानते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती है हम भूल जाते हैं। पर जहां तक इस बार गुजरात चुनाव की बात है तो गुजरात चुनाव में ये घटना का असर जरूर होगा, ये बिल्कुल साफ स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा जो असर होने की संभावना है वो सौराष्ट्र के पूरे जोन में है, क्योंकि ये घटना सौराष्ट्र जोन में हुई है। मोरबी जो इलाका है उसके आसपास के जो बहुत सारे छोटे छोटे गांव कस्बे है, वहां से राजकोट जो मेन मेजर एक बड़ा सिटी है गुजरात का, वो भी 70 किलोमीटर आसपास ही दूर है, तो ऐसी बहुत सारी वहां पे पूरी जो प्रजातियां, जो लोग रहते हैं अलग अलग कास्ट वाइज, तो वो सारे लोग जिसमें जितना जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है या जिनके जो रिलेटिव्स है वो सारे इसी कस्बों में से आते हैं, इसी शहरों में से आते हैं, जहाँ पे राजकोट, जामनगर, मोरबी, टंकारा, हड़वद, ऐसे बहुत सारे शहर और जिले इसमें शामिल है। तो आज की तारीख में अगर हम देखें इस घटना का बहुत ज्यादा असर लोगों के मन मस्तिष्क पर जरूर पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि किसको बचाया जा रहा है, किसको नहीं बचाया जा रहा है, सिस्टम क्यों दुरुस्त नहीं था, इस तरीके से क्यों टिकट्स लेकर भी सलामती की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं थी, अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया तो किसने दिया, क्यों दिया, किसको पूछा, डीएम जिम्मेदार है या नहीं है, नगर पालिका ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया बिना जांच परख किए, मेन जो कंपनी का नाम है वो कंपनी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट लिया तो उनके पास इस काम का कोई वर्क प्रोफाइल, पहले का कोई एक्सपीरियंस था या नहीं था, अगर मेन कंपनी ने सबलेट कर दिया है अपना कॉन्ट्रैक्ट तो उन्होंने जो अपने मैनेजर को कॉन्ट्रैक्ट दिया वो बंदे के पास अपना वर्क प्रोफाइल या एक्सपीरियंस कुछ था या नहीं था, वो जो व्यक्ति है दिनेश पारेख और बाकी जो लोग हैं उनको जो गिरफ्तार किया गया, अगर उनको सबलेट किया गया है तो उनकी कंपनी लेबर लॉज में रजिस्टर थी या नहीं थी, ईपीएफओ, ईएसआई, जीएसटी या फिर फैक्ट्री एक्ट, ये सारे एक्ट या रजिस्ट्रेशन थे या नहीं थे, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं था और उसके बावजूद ये घटना घटी है तो जयसुख भाई पटेल जी ने इसका उद्घाटन क्यों किया। अब ये पूरे सीक्वेंस में सर ये क्वेश्चंस है जो लोगों के मन में उठ रहे हैं, और लोग बहुत ही लोकल लेवल पे भी जहां लोग रह रहे हैं वहां पर भी लोग ये बेसिक क्वेश्चंस उठा रहे हैं कि आखिर ये माजरा क्या है, हो क्या रहा है, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखी जा रही है कि बीजेपी के कोई भी प्रवक्ता हो या कोई भी व्यक्ति हो वो आज की तारीख में इसको डिबेट्स में बचाते हुए नजर आ रहा है। पर इससे दिक्कत ये हो रही है कि ग्राउंड लेवल पे लोगों के अंदर रोष बढ़ रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से आज की तारीख में बीजेपी को कुछ भी कारण हो पर सबसे पहले जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है इसमें जो उनको कार्यवाही करनी चाहिए वो मेरे ख्याल से बहुत ही स्पीडी और सही सही तरीके से करनी चाहिए, ताकि एक संदेश लोगों में जाए कि आज के बाद अगर ऐसा भी कभी कोई भगवान ना करे कोई हादसा होता है तो भी सरकार पूरी जिम्मेवारी से काम करेगी, जो कि सही सही नहीं जा रहा है, और इसी वजह से ये दिक्कत डेफिनेटली देखने में आ रही है। जैसे आपने अपनी प्रस्तावना में भी एक बात का उल्लेख किया कि लोग बातें कर रहे हैं कि शायद इलेक्शन टल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी लोग यहाँ पे देख रहे हैं आज की तारीख में, क्योंकि बीजेपी 100% आज की तारीख में पूरी तैयार है अपने इलेक्शन और वो सारे कैंपेन जो लेकर चल रही थी पिछले 6 महीनों से, वो अभी काफी थोड़ा बैकफुट पर आए भी वो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि ये चीज बहुत हैवी पड़ रही है, और मोरबी का जो किस्सा हुआ है वो मेरे ख्याल से लोग इतना जल्दी तो नहीं भूलेंगे, भले जरूर आगे जाके भूल भी जाए पर अभी इतना मेरे ख्याल से 2-3 महीने तो इसकी चर्चा जरूर रहेगी, ये मैं देख रहा हूँ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।